हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं भी ठीक हूँ और स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग्स में। तो अभी सुबह के 6 बज चुके और उठ चुकी हूँ मैं। तो आजकल जो हमारे यहाँ पे बहुत ही बिजी शेड्यूल चला हुआ था, घर की साफ़ सफ़ाई, डेंटिंग पेंटिंग हो रही थी, तो घर की साफ़ सफ़ाई करना बहुत कुछ काम था। तो अभी आपको मैं दिखा दूँ कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, हमने अपने कमरे का भी रंग चेंज कर लिया है। तो इस तरह का कलर हमने लगाया हुआ है, तो पूरे घर में हमने कलर चेंज किया हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अंजलि यहाँ पे कैसे सोई हुई है। मैं इसको उठाने आई थी तो उठ नहीं रही है, मैंने कम्बल भी इसके ऊपर से उठा दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से सोई हुई है। और उठ उठ बेटा, अंजलि उठो, जल्दी उठो बेटा, वॉक पे जाना है, जल्दी उठो, आ जाओ आ जाओ। तो बाहर यहाँ देखिए इस तरह का कलर हुआ है हमारे यहाँ पे दीवारों पर, ये है और गोल्डन कलर का, और बंद कर बेटा पर जाके, और इस तरह की दीवारों पर यहाँ पे कलर हुआ है, बंद करो। कुछ सामान यहाँ पे अभी पड़ा हुआ है, बाकी का सेट हो गया है। तो ये देखिए हमारे फूल, लगाए हुए फ्रेंड्स। मेरी चपातियाँ बन चुकी है, अब मुझे बनाना है, सब्जी बनानी है मुझे अभी। तो फटाफट से मुझे अंजलि के लिए लंच तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, अभी बना रही हूँ मैं नाश्ते के लिए सब्जी, अंजलि का लंच भी मुझे तैयार करना है, तो मैं ये सब्जी तैयार कर रही हूँ अभी। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो है सुबह का समय है, तो यहाँ बाहर मैं आपको दिखाऊं कि धूप आ चुकी है बाहर, और बहुत जल्दी अभी 6:30 हुए हैं, तो 6:30 बजे यहाँ पे धूप आ जाती है। तो ये देखिए बाहर का व्यू, सुबह का धूप लग चुकी है बाहर। तो फ्रेंड्स यहाँ लग रहा है तड़का, और सब्जी बना रही हूँ पत्ता गोभी की मैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। फ्रेंड्स अभी मैंने अंजलि को रेडी कर लिया है, और अंजलि अभी रेडी हो चुकी है। देखिए अब इसको मैं ले चलती हूँ बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में गाड़ी आने वाली है। तो 9 बज चुके हैं, घर के कामों से मैं अभी फ्री हो चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ इसको छोड़ने। आ जाओ बेटा जल्दी, चलो देखा, हाँ हाँ मैं दूंगी आपको, चलो आ जाओ जल्दी आओ, खाली, खाली। चलो आ जाओ जल्दी आओ, मैं इसका ले जा रही हूँ ना। सो फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ खेत में, और यहाँ पे मैं आई थी मूली की निराई करने। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी जो हमने यहाँ मूलियाँ बीजी हुई है, कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, कुछ दिन पहले ही बीजी थी, लगभग 10-15 दिन पहले। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये हमारी मूलियाँ हैं, ये मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले मूलियाँ बीजी हुई थी। तो इस तरह की ये देखिए आजकल काफ़ी बड़ी हो गई है। तो आजकल तो हमारे आलू भी तैयार हो गया, वहाँ पर हमने आलू बीजे हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कितना बड़ा घास यहाँ लगा हुआ है, काफ़ी घास लग गया है। तो मैं हाथ से ही इसकी निंदाई कर रही हूँ, घास को निकालूंगी उसके बाद ही जो है निंदाई करूँगी इस पर। तो अभी मैं जो छोटा छोटा घास है काफ़ी घना लगा हुआ है, तो उसको निकाल देती हूँ पहले। ये हम मैंने बीजी हुई है बीन यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं कि बीन में जो है फूल आने लग गए हैं इस तरह से। ये देखिए ये बीन है, और वहाँ तक बीन बीजी हुई हमने, और उधर को भी बीजी हुई है बहुत आगे तक। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा घास लग गया है आजकल, तो मैं बीच बीच में थोड़ा सा घास निकाल देती हूँ। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँगी, यहाँ हमने गोभी बीजी हुई है, बंद गोभी हमने यहाँ लगाई हुई है। तो ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी होगी और तैयार होने वाली है, और इसके बीच घास भी लग गया है, तो घास निकालना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि ये घनी हो गई है बहुत ज़्यादा। देखिए वहाँ तक हमने गोभी लगाई हुई है, यहाँ तक। तो ये देखिए कितना बड़ा बड़ा घास हो गया है खेतों में, और ये देखिए मेरी
पत्ता गोभी। हम खोद रहे हैं आलू, तो ये देखिए कितने बड़े बड़े आलू निकले हैं। ये देखिए बहुत बड़ा आलू है, ये आप देख सकते हैं किस तरह का है। ये सारे इतने बड़े बड़े आलू हैं, देखिए यहाँ पे। अभी यहाँ नीचे भी हमने आलू लगाए हुए हैं, तो चूहे ने हमारे आलू खाए हुए हैं। तो इस तरह से ये मैं आपको दिखाती हूँ कि चूहे ने हमारे आलू खाए हैं, ये इस तरह से देखिए किस तरह से ख़राब किए हुए हैं चूहे ने। बहुत सारा नुकसान चूहे ने हमारा किया है इस बारी, तो इतने बड़े बड़े आलू खाए हैं चूहे ने। ये देखिए कैसे बेकार से हो गए हैं खा के। तो अभी हमने तो अभी इतनी सी जगह से मैंने ये आलू निकाले हैं। ये देखिए आलू, ये है हमारे ऑर्गेनिक पोटैटो। तो इस बार ये हमारे जो आलू है बहुत अच्छे होने थे, पर क्या करें चूहे ने जो है बहुत नुकसान कर दिया। ये देखिए गाइस कितने बड़े आलू हैं, इस तरह से बहुत बड़े बड़े आलू। मैं चल पड़ी हूँ घर, और मम्मी अभी आ रहे हैं ऊपर से, तो हमने आलू निकाल के ऊपर स्टोर में ही रख दिया है। तो अभी लेट हो रही हूँ, 11:30 हो गए हैं, जाना है जी, अभी जाना है अंजुल के पास। सो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने लंच भी कर लिया है, और अभी जा रही हूँ मैं अंजुल को लेने स्कूल, तो चलते हैं। तो अभी मैं हूँ बस स्टैंड में, और बस आने वाली है थोड़ी देर में। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे घराट से आगे को अनिल के स्कूल की तरफ जा रही हूँ। तो धूप तो बहुत तेज़ लगी हुई है, आसमान में बादल आ गए हर रोज़ की तरह आज भी, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर भी कितने खूबसूरत से फ्लावर है। ये है अंजुल का स्कूल और अंजुल के स्कूल के बच्चे। तो अभी इनका लंच टाइम है और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम वापस चल पड़े हैं घर को, छुट्टी हो चुकी है अंजुल की। तो ये अंजुल आ रही है पीछे से, और दूर देखिए आप इस तरह की, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है देखिए। और रास्ता मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का रास्ता है यहाँ का। तो ये इस तरह का रास्ता है, ये देखिए रास्ता इस तरह से है यहाँ पे, और यहाँ से नीचे कोई घर नहीं है, और एक ही लास्ट घर है यहाँ पे ऊपर, उसके बाद बहुत नीचे घर आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अंजुल आ रही है छाता लेके, रोड में पहुँचने वाले हैं। यहाँ देखिए बॉडी है, ये बहुत ठंडा पानी है यहाँ पे। देखिए कांटे में कितने खूबसूरत से फल लगते हैं, इनको देख के जो है बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच चुके हैं घर में, और अभी हम रेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले ही हम घर में पहुँचे और रेस्ट कर रहे हैं, और अंजुल को मैं काम करवा रही हूँ स्कूल का। तो अभी अंजुल पढ़ रही है, ले पढ़ ले जल्दी कर। तो इसने यहाँ पे देखिए पर्दा भी गिरा दिया है नीचे, इससे ऊपर से छूट गया है, इसने खींचा था, यहाँ पे बैठी हुई है। पढ़ ले बेटा जल्दी करो। क्यों बोला?
सो गाइज़ आज का ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और फ्रेंड्स यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ करके लाइक शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।